अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट। बहुत बहुत मुबारक हो जी, इमरान खान साहब की सज़ा मौतली की जो एप्लीकेशन है वो मंजूर होगी, सस्पेंड होगी। 3 साल सजा तो होनी थी, ये बस इसको डिले किया गया, पता नहीं क्यों किया गया। और जो है बल्कि मुबारकबाद सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को नहीं है, ये पूरी आवाम को है, तकरीबन पूरी आवाम उनके साथ है इस वक्त, इमरान खान साहब के साथ जो उनके साथ हुई है ये 16 महीनों में। और उसके बाद उनके जेल में जाने के बाद जो मज़ीद ये जो निगरान सेटअप ने की है तबाही, उसके बाद तो सब जो है वो आशाश कर उठे हैं और सारे जो है उनका उनकी बातों को याद करें, इमरान खान साहब की, कि वो आएँ किसी तरह मुल्क को संभालें। लेकिन ये होता मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि साइफर जो केस है उसमें भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। हालांकि वो एक बहादुरी का काम किया गया है कि मुल्क को जवाब दिया गया कि आप क्यों इस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं, तो खैर लेकिन जो है वो उसमें देखा जाएगा उसमें क्या सूरत हाल है। लेकिन जो है वो इसमें तो जमानत मंजूर हो गई है, अब और से और कई केस हैं, पता नहीं कितनी सेंचुरियाँ हुई हैं केसों की, किसी ना किसी केस में डालते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब जो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान जो है लड़ाइयों से निकले और जो है वो लोग अपनी अना की जो जंग में जो ये जो इसको आवाम जो पिस रही है जिसकी वजह से, इससे निकालने का कोई सोचने वाला बंदा आए और जो पाकिस्तान को आगे लेके चले।